भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आए। तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में लगी हैं, आप लोग देख करके जाना। एक सरकारी आदेश भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 20,000 जल सखियों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है और 2024 तक इनकी नियुक्तियां करने के लिए सरकार कह रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये सखियां कौन सी होंगी और क्यों तैनात की जा रही हैं, इनका आखिर काम क्या होगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में हर घर में नल जल जो योजना है उसके तहत पानी के जो बिल होते हैं उनके वितरण और उसकी वसूली के लिए जल सखियां तैनात की जाएंगी। पहले चरण में 20,000 से अधिक जो है जल सखियों की नियुक्तियां करने की तैयारी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित जो स्वयं सहायता समूह है उनसे जल सखियों का चयन किया जाएगा। तो यहां पर जैसे आंगनबाड़ी बहनों आपके बाल विकास पुष्टाहार विभाग में कच्चे राशन को आपके केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जैसे स्वयं सहायता समूह का योगदान लिया गया, सेम वैसे ही इन जल सखियों का भी जो होगा वो स्वयं सहायता समूह से ही चुनी जाएंगी। और इनका काम क्या होगा कि जो है लोगों तक जो है उनके घरों तक पानी पहुंचे, साथ ही साथ जो पानी पहुंचता है उसके जो बिल होंगे जो वसूलियां होंगी वो सब ये लोग करेंगे। आगे इसके बारे में और आपको बताते हैं, सरकार का 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और इसके लिए हर परिवार को कनेक्शन लेना होगा, ऐसा यहां पर छपा है। लेकिन हर घर को नल से जल यानी लेना होगा ये अनिवार्य तब माना जाएगा, क्योंकि जब तो देखो यहां पर काफी लोगों के घर में नल लगे हैं, अब वो लोग थोड़ी नल से जल लेंगे। जिनके यहां नल नहीं है, जिनको जरूरत होगी, ऐसे लोग जो है यहां पर कनेक्शन लेंगे। तो जिनको पानी जाएगा उनके घर भैया कभी ना कभी बिल भी तो जाएंगे, तो कनेक्शन का जो बिल है और इसकी जो वसूली है उसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक जल सखी तैनात की जाएगी और जल सखी को करीब 6,000 रुपया मासिक मानदेय देने का विचार है। ये अभी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा इतना पैसा मिलेगा, बता रहे देने का 6,000 रुपया महीना ऐसा विचार है। अब विचार होने में और चीजों को मिलने में सरकारी आदेश आने में बहुत लंबा फासला होता है। ग्राम विकास विभाग और मिशन के स्तर पर जल सखी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। अब आपको समझाते हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो राशन वितरण हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह की महिला बहनों के द्वारा जो पहुंचाया जा रहा है उस काम के लिए उनको कितना ऊपर से लिखित में मानदेय का प्रावधान है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा अगर किसी बहन को पता हो। यहीं से इसके बारे में भी आपको सच्चाई इनके भी मानदेय की पता हो जाएगी। अभी तक ऐसा तो आदेश नहीं देखा जिसमें स्वयं सहायता समूह की बहनों को उनकी मेहनत का पैसे के मानदेय के बारे में वहां पर जिक्र हो। फिलहाल के लिए आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब यहां पर छपके तो यही आ रहा है कि 6,000 मासिक मानदेय होगा, हर घर नल जल योजना के बिल का वितरण और वसूली करेंगी स्वयं सहायता समूह की जो भी जल सखियां उसमें लगाई जाएंगी ये लोग। तो इस तरह से ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अब एक बात आप यहां पर गांठ बांध लीजिएगा, बेचारा गरीब जो आदमी है उसका पैसा कहां कहां कैसे जाता है। देखो 200 रुपया आराम से रिचार्ज का महीने में जा रहा, ठीक। अब जो बिल होता है बिजली का जो बिल है वो भी 250, कम से कम 250 जा रहा है पैसा इसमें जा रहा है। अब घर में चाहे बल्ब जलाएं चाहे घर में जो है मोबाइल ही केवल चार्ज करें, बिल उनका 200-250 आ रहा। क्यों आ रहा पता नहीं, मीटर कैसे है पता नहीं, लेकिन रीडिंग बढ़ रही है।
ये समझना। साथ ही साथ ऐसे ही तमाम चीजें हैं। अब पानी भी आपको पहुंचाया जाएगा, उसके लिए भी आपसे पैसे कुछ ना कुछ जल के भी वसूले जाएंगे। ऐसे ही बहनों गैस सिलेंडर भी भरवाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पहले तो सबको अच्छा लगा कि सिलेंडर ले लो, चूल्हा जो है चौपटा से जो है फुर्सत मिल जाएगी, फूकने से आराम हो जाएगा, धुआं नहीं लगेगा, सबने गैस की तरफ जो है दौड़ना शुरू कर दिया। अब गैस पहले तो सस्ती थी, अब यहां पर उसके दाम आसमान छू रहे हैं। अब वो भरवाएं या घर में खाली सिलेंडर ऐसे जो लोगों के पड़े हैं, अब चूल्हा जलाएं या गैस जलाएं, तो इसमें दिक्कतें हैं। तो आधे से ज्यादा जो उनकी कमाई है वो इसी तरीके से इन्हीं सब चीजों में जा रही है। इस बारे में आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। वहीं पर आप देखेगा, क्योंकि पहले लोग अपना ईंधन जला करके या चूल्हे जला करके भी अपना गुजारा कर लेते थे, जितना पैसा गैस में बर्बाद कर रहे हैं उतना वो अपना खाने पीने में लगाते थे, अब उतना पैसा उनका गैस में जा रहा है, अब इससे भी दिक्कतें हो रही हैं। काफी लोगों को गैस की जो रोटियां हैं वो उनके जो है पाचन क्रिया के लिए उनको ठीक नहीं लगती, यानी पचती नहीं है। बहुत सारी लोगों को तरह तरह की अपनी दिक्कतें आती हैं। तो बहुत से लोग अभी भी जो है घर में गैस है फिर भी जो है रोटियां खाते हैं चूल्हे की बना करके। तो अपनी अपनी अलग अलग लोगों की जो है चीजें हैं। फिलहाल आप क्या समझते हो आप बताना। ऐसा बेगम मैन आती है साहबगंज से, उन्होंने ये वाली जानकारी भेजी थी। आगे चलते हैं, आपको एक और बड़ी जानकारी देती हैं। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एक यहां पर लेटर जो है 5 तारीख को बहनों, ये कल नहीं परसों जो है जारी हुआ था, और आपको बता दें कलेक्टर जो है मध्य प्रदेश के सभी जिलों के उनको भेजा गया था। 8 मई को आयोजित होने वाले लाडली लक्ष्मी जो उत्सव है उसके संबंध में था। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अभी 8 मई जो आपका कल आएगा उसमें आपको लाडली लक्ष्मी का उत्सव कैसे मनाना है इस पर थोड़ा बात करते हैं। इनका कहना है कि दिनांक 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाए जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और यहां पर उत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम 8 मई को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया जाना प्रस्तावित है। तो 4 मई को आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ वहां पर बैठक में निर्देश दिए गए हैं, तो उन निर्देशों को आप लोगों को हम बताते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला निर्देश है कि लाडली लक्ष्मी उत्सव को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शाम के 6:30 बजे से किया जाना है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शाम 7 बजे से उनका मंचासीन होंगे, यानी वो अपना 7 बजे आएंगे। इसके अलावा दिनांक 8 मई 2022 के पूर्व सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय परंपरा के अनुसार पीले चावल, स्थानीय स्तर पर तैयार निमंत्रण पत्र अथवा अन्य जो उपयोग हैं वो करके सभी लाडली परिवारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य विभागों के मैदानी अमलों द्वारा उनको आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही तीसरा है, ग्राम पंचायत और शहरी जोनल वार्ड के स्थानीय कार्यक्रमों में स्थानीय जो व्यक्ति हैं महिला जिन्होंने समाज में व्यापक बदलाव का कार्य किया हो उनका 8 से 10 मिनट का जो है उद्बोधन रखा जाएगा। ग्राम पंचायत के अलावा संबंधित ग्रामों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि लाडली लक्ष्मियों को उनकी अधिक दूरी तक जो है ना जाना पड़े। साथ ही साथ जो है जिला जो है और ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर के जो कार्यक्रम हैं उनमें शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, और कार्यक्रम स्थल पर लाडली लक्ष्मियां अभिभावकों सहित एक साथ एक रैली के रूप में स्थानीय वाद्य यंत्रों की संगीत में प्रस्तुत के साथ उनको लाया जाएगा। साथ ही सबका तिलक लगा करके स्वागत किया जाएगा। रैली के दौरान स्थानीय समूहों द्वारा लाडलियों एवं उनके अभिभावकों तथा उन पर यथासंभव पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो ये सब वहां पर कार्यक्रम होंगे 8 तारीख को। आगे है, जिला स्तर के कार्यक्रमों के पूर्व 3 लाडली लक्ष्मियों का कन्या पूजन किया जाएगा, दीप जो है प्रज्वलन भी किया जाएगा। राज्य स्तर से प्रसारित होने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन को सीधा प्रसारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 100% लाडलियों की भागीदारी उनके परिवार के साथ सुनिश्चित की जा सके, और योजनाओं में सभी विभागों के मैदानी अमले को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। साथ ही सातवां है, लाडली लक्ष्मी उत्सव में व्यापक भागीदारी और यानी जन भागीदारी लोगों की 100% लाडलियों एवं उनके परिवारों को जोड़ने हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्थानीय हाट बाजार और इन स्थलों पर लाडली जो गीत हैं उनको बजाया जाएगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर संदेशों को प्रसारित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तर से प्रसारित होर्डिंग्स और प्रोटोटाइप अनुसार प्रत्येक स्तर पर होर्डिंग लगाई जाएंगी, और साथ ही वॉल राइटिंग को प्रत्येक स्तर पर करवाया जाएगा, दीवारों पर जो लिखा जाता है। छोटे शहरों अथवा नगर पंचायतों में सुविधा अनुसार
एक या दो स्थानों पर तथा बड़े महानगरों में वार्ड जोन स्तर पर सुविधानुसार ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा जहां स्क्रीन लगा करके बैठक व्यवस्था की जाए और यथा महाविद्यालय, स्कूल, सामुदायिक भवन, विभिन्न समाजों में धर्मशाला, इन सब में जो है कराया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्मी जो लाली लक्ष्मी उत्सव है उसको व्यापक रूप देने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन समिति, अंत्योदय समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, स्वच्छता दूतों, किसान मित्र, सहयोगिनी मात्र समिति, शौर्य दल के सदस्य, स्वयंसेवी संगठन, डेवलपमेंट पार्टनर्स, इनका प्रत्येक स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता वाहनों पर जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे लाडली महिमा गान को लगातार जो है उनको लगातार बजाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदारों इनके माध्यम से डोडी जो है यानी वो डुग्गी पिटवाई जाएगी। इसके साथ ही भजन मंडलियों द्वारा किए जाने वाले जो प्रभात फेरियां हैं उनमें भी लाडली महिमा उनका गान कराया जाएगा। व्यवस्थाएं की जाएंगी। राज्य में जारी लाली लक्ष्मी पर आधारित गीत का उपयोग होगा, कार्यक्रमों में उनको किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि सभी लाडलियों एवं उनके अभिभावकों को स्थानीय सहयोग से प्रसाद, लड्डू, मिठाई, स्वल्पाहार वितरण किया जाएगा। तो जो भी आपके स्थानीय लोग होंगे उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के सहयोग से यह लड्डू मिठाई वाला प्रोग्राम है। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके बारे में इसमें नहीं लिखा, तो यहां पर लिखा है कि अभिभावकों और स्थानीय जो सहयोग होगा उन्हीं के जो हिसाब से प्रसाद, लड्डू ये सब बटेगा। प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम आयोजन उपरांत कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ महिला बाल विकास विभाग को पृथक से उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी और यहां पर आगे इनका क्या कहना है वो भी सुनिएगा। कहना कि अतः उक्तानुसार आपके नेतृत्व में जिले में प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम का समारोह जो है समारोह पूर्ण वगैरह यानी समारोह जो है वो पूर्ण कराया जाएगा और साथ ही लाडलियां जो है उनके अभिभावकों को भी सम्मानित करने का, लाडलियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में सार्थक पहल किया जाएगा। अशोक शाह अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन से उन्होंने ये एक 5 तारीख को लेटर जारी किया है। उम्मीद है आपको ये लेटर पसंद आया होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आती हैं बहन और जो रेनू बहन उन्होंने जानकारी भेजी थी, तो यहां पर इनका सब जो है बताना है। साथ ही साथ एक यहां पर इसी बारे में देखिएगा, कलेक्टर जो है यहां रीवा जिले में 5 तारीख को उन्होंने भी एक लेटर निकाल दिया है। लाडली लक्ष्मी उत्सव 8 तारीख वाले कार्यक्रम से ही जुड़ा हुआ है। अभी सारे नियम कायदे आपको हमने बता ही दिए हैं, तो अलग से बहनों मुझे नहीं लगता कि बताने की आपको आवश्यकता है। फिलहाल के लिए आपको काफी जानकारी राज्य के मेन लेटर के मुताबिक हो चुकी है जो भी ऊपर से बताया जा रहा है, बाकी आपको इसके बारे में अब खुद ही पता हो गया। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर इस जानकारी को आशा बहन ने भेजा था जो रीवा से आती है, तो यहां पर उन्होंने कहा 8 तारीख को ये जो है मनाया जाएगा लाडली उत्सव। तो आज का जो सुबह का वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे। दोपहर के वीडियो में बहनों और भाइयों आपको हम फिर मिलेंगे। अभी